क्या आपको भी है इंतज़ार अपने कार के लिए नए नंबर प्लेट का, नए रजिस्ट्रेशन नंबर का? दोस्तों, जब हम कभी नई कार परचेज़ करते हैं या बाइक परचेज़ करते हैं तो उसके लिए नंबर अलॉट किया जाता है। उस नंबर को आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको नंबर प्लेट मिलता है। नई कार या बाइक की कंडीशन में शोरूम के एम्प्लॉयज़ ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपने सेकेंड हैंड कार या बाइक परचेज़ किया है और उसको आपने रजिस्टर करवा लिया है अपने नाम पे और आरटीओ ने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नंबर आपको इशू कर दिया गया है, उस कंडीशन में आपको नंबर प्लेट अप्लाई करना पड़ता है, जो आप आरटीओ में किसी एम्प्लॉय के थ्रू करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। खुद से करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप खुद से करने के लिए एक वेबसाइट को ओपन करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसका माध्यम क्या है, आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम वही जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको नंबर प्लेट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको गूगल में एक साइट ओपन करनी है, www.siam.in। इसको आपको ओके करना है। दोस्तों, इसको जैसे ही आप करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये साइट ओपन होके आती है। अब आपको ऊपर मिल रहा होगा बुक HSRP। जी हाँ, HSRP को आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे HSRP रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन होके आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे HSRP का मतलब है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जैसे पहले हम लोग नंबर अपने से कुछ भी लिखवा लेते थे, किसी भी मॉडल किसी भी डिज़ाइन में उसको लिखवा के अपने कार पे लगवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ आपको नंबर दिया जाता है। तो HSRP का मतलब वही है, यहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है। और दोस्तों, SIAM गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसको सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो इनके थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पेज ओपन होके आया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, स्टेट, व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है वो, अपना मोबाइल नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐड करना है और एग्री करने के बाद सबमिट कर देना है। तो आइए हम फटाफट से ये कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, एक दूसरा इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ पे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपके व्हीकल का टाइप, मतलब फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है या हैवी व्हीकल है, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको वो करना है। और नीचे आपको एक डिटेल लिखी हुई मिली है कि टू व्हीलर्स के लिए जो आपका एवरेज प्राइस रेंज होता है वो 320 रुपये से लेके 380 रुपये है, और फोर व्हीलर का इसमें देखने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट योर व्हीकल टाइप आ रहा है। यहाँ पे आपको थ्री व्हीलर्स, कार, SUV, MUV, UV, वैन, ये है अपनी कार, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे बस और ट्रक का दे रहा है, कमर्शियल व्हीकल का दे रहा है, तो वो हमें नहीं करना है। हम कार का जानना चाह रहे हैं, तो कार का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फोर व्हीलर का जो प्राइस रेंज यहाँ पे आ रहा है वो 590 रुपये से लेकर 700 रुपये आ रहा है, और हाई इम्पोर्टेड कार है, महंगी कार है आपकी, तो 700 रुपये से लेकर 860 रुपये का यहाँ पे आपको प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो अब
मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, नीचे व्हीकल का टाइप सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे बहुत सारी कार्स कंपनीज के लोगो आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी कार जिस भी कंपनी की है उस लोगो को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे मेरी मारुति सुजुकी है तो मैंने मारुति सुजुकी को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ये ओपन होके आ रहा है। अब नीचे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जस्ट ऑर्डर माई HSRP को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया। इसको आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं, एक और एडिशनल इंटरफेस खोल के आपके पास आता है। यहाँ पे आपको कैप्चा मांग रहा है कि आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑर्डर न्यू हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट चाहिए, या आपको रिप्लेसमेंट प्लेट चाहिए, या फिर आपको थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट कलर स्टिकर के साथ चाहिए। तो हमें नया करना है तो हम न्यू हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए जाएंगे। नीचे इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, जब आप इसको बुक कर देते हैं उसके बाद आप इसको यहाँ से अपना चिचिस नंबर डाल के या ट्रैकिंग आईडी डाल के आप चेक भी कर पाएंगे कि आपका नंबर प्लेट अभी कब तक आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ, मैंने ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ व्हीकल मेकर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको व्हीकल मेकर डाल देना है। जैसे मेरी मारुति की गाड़ी है तो मैंने मारुति यहाँ सेलेक्ट कर लिया। स्टेट पूछ रहा है तो आपको अपना स्टेट भर लेना है। RTO का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन सा आपका RTO डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पिन कोड पूछ रहा है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे इंजन नंबर पूछ रहा है, तो आपके RC में इंजन नंबर मेंशन होता है, उसको देखें, जो उसमें भरा हुआ है सेम है वैसे ही आपको यहाँ पे भरना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ये मैंने भर दिया। अब नीचे चेचिस नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने चेचिस नंबर को डाल देना है, वो भी आपके RC में मेंशन होता है, उसको देख के सही सही उसको आप भरें। मैंने अपना चेसिस नंबर भी डाल दिया है। एक बार आप इसको सही से फिर से रीड कर लें कि आपने सही तो भरा है। ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, इंजन नंबर मैंने सही भरा है, और चेसिस नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको भी सही भरा है। तो अब इसको आपको यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर देना है। मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद टेक पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, अपनी पिक्चर का वेरिफिकेशन करना है। तो हम इसको भी क्लिक करके एक बार करते हैं। तो अब हम करेंगे टेक अ पिक्चर, यहाँ पे अलाउ कर देना है, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, आपको जस्ट फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद आपको आपकी फोटो ले ली गई है। अब यहाँ से इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं। यूज इमेज नीचे आपको कर देना है। यूज इमेज आप जैसे ही करते हैं तो जो आपने पर्सनल डिटेल अपनी भरी होती है वो यहाँ पे बन के आ जाती है। नीचे आपको चूज सिटी एक बार फिर से इसको डाल दें, और
आपका एड्रेस पूछ रहा है कि आप इसको कौन से एड्रेस पे लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो उसको आपको फटाफट से फिल कर देनी है। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने ये भी भर दिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नीचे नेक्स्ट करने के बाद अब व्हीकल डिटेल पूछ रहा है, तो व्हीकल का मॉडल नेम पूछ रहा है। मॉडल नेम भी आपको देख लेना है, वो भी आपके आरसी में मेंशन होता है। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो हम अपने व्हीकल का मॉडल नेम डाल देते हैं, मारुति सियाज स्मार्ट हाइब्रिड एस। ये हो गया, मैंने इसको इंटर कर दिया। व्हीकल टाइप पूछ रहा है, तो मेरी प्राइवेट व्हीकल है, इसको मैंने इसको चेक कर लिया। व्हीकल क्लास पूछ रहा है, उसको भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पे शो करता है, LMV पैसेंजर कार्स, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्लेट का साइज पूछ रहा है, तो इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। अब फ्यूल टाइप ऑटोमेटिक फील्ड आ रहा है, इंजन नंबर फील्ड आ रहा है, चेसिस नंबर ऑटोमेटिक फील्ड है, एमिशन भी ऑटोमेटिक फील्ड है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि 2017 में ये रजिस्टर की गई थी। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ोटो मांग रहा है, यानी कि आपको अपनी आरसी की फ़ोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं। अपलोड करने के बाद फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो पहले तो आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं आरसी की, तो फाइल में जाकर उसको अपलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। तो हम फाइल में जाके इसको अपलोड करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही फोटो को PDF में कन्वर्ट कर लिया था। ये मैंने अपनी RC की फोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिक्सेशन अपॉइंटमेंट पूछ रहा है कि आप अपना नंबर प्लेट कहाँ पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। ये होम डिलीवरी है और डीलरशिप है, तो हम डीलरशिप डाल देते हैं। यहाँ पे डीलरशिप डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन से डीलरशिप पे आप जाके इसको कराना चाहते हैं, तो आप अपने डीलर का जो सबसे नज़दीकी डीलर है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं तीसरा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, डीप मोटर्स, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको कब कराना चाहते हैं, तो आप जिस डेट में आप चाहते हैं उस डेट में आप इसको कंफर्म कर लें। जैसा कि आज 17 तारीख है, 17 तारीख के बाद ये दिखा रहा है कि सारे यहाँ से डेट यहाँ से ब्लॉक्ड हैं। आप एक डेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको जो सबसे रीसेंट, जो सबसे जल्दी मिल जाए, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कि 25 शो कर रहा है, तो मैं 25 को ही इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। टाइम पूछ रहा है, तो आप कोई भी टाइम डाल दें इसमें, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि और कोई डेट इसमें नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 25 तारीख ही स्टार्टिंग डेट यहाँ से ऑन दिखा रहा है, बाकी सारी डेट हाइड हैं, तो आप इसको यहाँ से क्लिक नहीं कर सकते। तो 25 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मुझे जल्दी लगवाना है, मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया है। फिर सब यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के साथ ही अब यहाँ पे सारी डिटेल जो आपने फिल की है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया है, तो यहाँ से ऊपर एडिट करके आप इसको सही भी कर सकते हैं। अब आप नीचे आ जाइए, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पूछ रहा है,
जो आपको 710 रुपये टोटल यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे पेमेंट आप कर दीजिए, यहाँ से इसको ओके करिए, पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब यहाँ पे आपका अमाउंट शो कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड्स आपको शो कर रहे हैं। आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने क्रेडिट कार्ड से करूँगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट से। मैंने ये कर लिया है, अब यहाँ से इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आ रहा है, अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दें, डाल दी है। अब यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपका यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप देख रहे हैं किस तरीके का मैसेज पॉपअप हो रहा है। ये मेरी आईडी जनरेट हो गई है, ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब यहाँ से आप व्यू ऑर्डर डिटेल करके इसको आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट हो गई है, सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर आप यहां से कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका यहां पे कंफर्म हो चुका है। अब आप यहां पे अपना ट्रैक योर ऑर्डर करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग आईडी जो यहां पे शो कर रही थी, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर या चेसिस नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना होगा, फिर आप यहां से करेंगे। फिर आप यहां से चेसिस नंबर डाल देना है अपना। अब यहां से आप ट्रैक ऑर्डर करके इसको चेक कर सकते हैं। ये आप देखें ट्रैकिंग आईडी आ गई, कॉपी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे वही पुरानी डिटेल शो कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेल भी रिसीव हो चुकी है, योर सीमेंट ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, और मैसेज भी आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड HSRP ऑर्डर फॉर व्हीकल नंबर ये, प्लीज ब्रिंग योर व्हीकल फॉर HSRP फिटमेंट ऑन 25 एट लोकेशन। शो कर रहा है कि आपको कहाँ पे करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ता है अपने नंबर प्लेट के लिए। अब आपका नंबर प्लेट जहाँ पे आपने जो एड्रेस दिया हुआ है, जिस भी मोटर या सर्विस स्टेशन का नंबर दिया है, जहाँ पे कार की सर्विस वगैरह होती है, वहाँ पे ये आएगा और आपको वहीं पे जाके इस नंबर प्लेट को लगवाना है। तो आशा करते हैं मेरी द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।